नहीं खाऊंगी, घी खाएगी। कुमाऊनी भाषा है, मुझे चिढ़ा रही है। पटेली आज पक्का। और दादी जी देखो यार, आज तो साड़ी लगा रही है। क्या करेगा फिर घर में बैठ कर के, बर्तन तो धोएगा। ये देखो इसको खाने की हो रही है। अब 5 दिन तक ये यहीं पर सोएगी। पूरा का पूरा बर्फ लगने वाली है। जय श्री राम दोस्तों, भारत माता की जय, जय देव भूमि उत्तराखंड। पहाड़ों में बर्फबारी भी स्टार्ट हो गया। मीनू जी को 2 दिन भी नहीं हुए हैं घर में आए हुए, और वो गोठ में चलेगी रहने के लिए, और उसके लिए ले जा रहे हैं हम सगर। 2 दिन हो गए मैडम जी को घर आए हुए, और आज देखिए गोठ में बैठी है, और यहाँ पर ये बैठी है। एक्चुअली अब 5 दिन तक ये यहीं पर सोएगी। शर्म आ रही है, कोई बात नहीं, ये मेरा होड है, तू लगा गर्म हो जाएगी। कैमरा बंद करो, बोल दे। यहाँ थोड़ा सा देवी देवता को मान देना तब जाके। और ये यहीं पर है, ये आपके 5-6 दिन तक यहीं पर रहेगी। आपको बताना, महिलाएं हैं तब जाके हम हैं, इनके बिना पूरा संसार अधूरा है। तो पीरियड से तो आपने सुना ही होगा, जो कि हमारे मम्मी जी ने पहले भी आपको मेरे ब्लॉग के माध्यम से बताया और समझाया भी है कि क्या होता है करके। तो आज ठीक उसी प्रकार मीनू को हो रहा है पीरियड्स, है ना। तो ये महिलाओं में होते रहता है, एज के अनुसार होता है ना। देवी देवता को हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। तब ये 4-5 दिन तक गोठ में रहेगी, ना खाना बनाएगी। सुबह सुबह धूप आ गई है बढ़िया करके, और हमारे जो ताई जी हैं, बड़ी मम्मी जी, अरे वाह, अच्छा तेल निकालोगे बाद में इसके? अरे वाह, तो देखो सरसों भी हम लोग बोते हैं, तो सरसों के बीज होंगे बहुत सारे। अच्छा भराड़ी जाके ना? अरे वाह, तो देखो कुछ इस प्रकार से आपके सरसों के बीज होते हैं, ये देख सकते हैं आप। भराड़ी लेके तेल लाएंगे। अच्छा तेल के लिए? तेल के लिए। मॉर्निंग में मैं और मीना हम दोनों ही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ? धारे पे। तो मीना को तो बिल्कुल भी यहाँ का धारे का पता नहीं है। तब पता है तो वाले धारे में नहीं जा रहे थे, जो पता है। मीना जी के पीरियड्स चल रहे थे, पहली बार हमारे गांव में आई है। देखो हम लोग डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग बनाते हैं, तो हम लोग आपको कुछ भी बात नहीं सुना सकते, क्यों? वैसे भी गलत चीज नहीं है। आज सुबह के मौसम की बात करें तो देखो एकदम आसमान नीला का नीला, और मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है। ताऊ जी मिल गए। ताऊ जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बढ़िया हो रहे हो? बढ़िया। ताऊ जी अपनी बहू को देख के खुश हो गए? खुश यार, खुश यार, लेकिन भगवान का है यार। अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहोगे फिर? कल मैंने कहा है कि यार वास्तव में मेरे गुसाई का, और ये सुबह काम हो गया। अरे अच्छा, ताई जी आई है हमारे यहाँ, और भाई साहब इतना ये कच्चा वाला है ना, इतना ज्यादा भारी ले रहे हो? हाँ यार, खीर क्या करी, घटेली है आज। पक्का? तो आज आपके यहाँ घटेली सुनने आएंगे। हाँ, और ये देखो कैसी है आपकी बहू? बढ़िया। कैसी लम हाइट? हाइट बढ़िया है? हाँ, जोड़ी टनाटन? टनाटन। अच्छा मतलब, अच्छा चलते हैं फिर हम। थोड़ा इसको धारा दिखा देता हूँ ना, इसको पता नहीं है। तो चले जी बढ़िया करके चलते हैं। मीनू जी ने भी नहा लिया है, कपड़े भी धो दिए हैं, और इसके जूते हैं मेरे हाथ में। चले चलो फिर, अब लग रही है सही। नहीं तो कैसे लग रही थी बिना मुंह धो के, एकदम लाल बांदर जैसी। ऐराड़ के रास्ते हम लोग चलते हैं घर, और ये जो कपड़े हम लोगों ने धोए हैं इनको सुखाते हैं। मीना जो है पहली बार गढ़वाल से कुमाऊँ आ रखी है शादी करके। मेरा तो एक फर्ज बनता है कि उसके साथ हमेशा रहना, सुख दुख में साथ देना, और यहाँ पर उसे किसी चीज़ के बारे में भी पता नहीं है, तो मेरा एक फर्ज बनता है उसको हर एक चीज़ दिखाना ना, तभी जाके मैं उसका साथ दे रहा हूँ बार बार। हम लोग पहुँच चुके हैं घर, और दादी जी देखो यार आज तो साड़ी लगा रही है। ओ भाई साहब, हिमुली आज तो साड़ी हाड़ी यार, आज क्या है इतना खास? अम्मा अच्छा मैंने लाया था ये, आज साड़ी हाड़ी जो कोई देखने आ रहा आपको है ना अम्मा? मैंने कब दिया आपको गाली? कभी भी मैंने आपको गाली दिया जिंदगी भर? मैंने कब कहा? आज दादी जी बढ़िया करके नया साड़ी लगा रही है, नहा धो के रेडी हो रही है, पता नहीं कहाँ जाने की सोच रही है आज। इनको कोई देखने वाले आ रहे हैं, इनका रिश्ता आ रहा है शायद ना, तो इनका रिश्ता भी तय होने वाला है दादी जी का। बहुत अमर रिश्ता देखने वाले आ जा रहे हैं आपको? अच्छा आ जा रहे हैं इनको रिश्ता देखने वाले। और चलो अब थोड़े बहुत कपड़े सुखाते हैं, आधे कपड़े तो सुखा दिए हम लोगों ने, उसके बाद खाना खाएंगे हम लोग। तो नहा के हम लोग आ गए, अब खाते हैं खाना। पापा घी खा, घी नहीं खा रही है? तो घी खा रही? घी नहीं खा रही? नहीं खाएगी घी? क्यों? घी खाएगी? नहीं खाएगी? घी नहीं खाऊंगी, घी खाएगी। तो घी हिंदी में बोलते घी, हमारे कुमाऊनी भाषा है। तो ये क्या बोले, मुझे चिढ़ा रही है, घी खाऊंगी कह रही है। घी खा ला, घी तो खा ले, अब घी खाएगी आज से, ठीक है? नाराज होगी वो। तो यहाँ पर मैडम जी खाने लगी है खाना, वहाँ पर पापा खाने लगे हैं,
मुझे तो दादी ने खाना ही नहीं दे रखा, इज्जत ही नहीं करते है मेरा। और मेरे घर वाले मुझे बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते हैं। पहले बस वीडियो बनाने के लिए धोरे हो गर्दन। तो दादी वहाँ मस्त करके बैठी है, पापा भी मस्त करके घूम रहे हैं, कृष्णा भी घूम रहे हैं। धोने पड़ेगा क्या करेगा फिर घर में बैठ करके, बर्तन तो धोएगा। मेरे को इतना अत्याचार हो रहा है भाई साहब, मुझे अत्याचार होगा। जवान जवान लड़का है तू। कहाँ जवान, अब तो शादी कर लिया, बुढ़ा हो गया मैं। अब तो शादी कर लिया, बर्तन नहीं धोएगा, कौन धोएगा तेरा बाप। बुढ़ा बुढ़ा आदमी को काम लगाते हैं, बुढ़े आदमी को काम लगाते हैं। आपने तो काम करना चाहिए। तो देखो तो इतना काम कराते ना मुझे दोस्तों, जैसे कि होटल लाइन में मतलब दिन भर बर्तन धो रहा हूँ, ऐसा नौबत आती है। सुबह 4 बजे उठा देते हैं मुझे ये लोग, और 4 बजे से लेकर रात के 4 बजे तक काम कराते हैं मुझे। अच्छा, रात के 4। अगर काम नहीं करता हूँ तो रात को सिर्फ एक ही रोटी देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं। खासकर ओ ये अम्मा दिख रही है, ये मुझ पर बहुत ही अत्याचार करती दोस्तों। अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है दोस्तों, दुख भरी आवाज पहुंच रही है, तो कृपया करके एक खतरनाक पिंजड़ा लेके आओ और इस गोरिल्ला को भगाओ यहाँ से। वो गोरिल्ला को वहां से भगाओ, साथ साथ में इनके साथ चिंपैंजी को भी भगाओ, दोनों को पिंजड़े में डाल के इनको भेजना है यहाँ से शहर। इन्होंने आतंक मचा के रखा है। काम देखो, दोनों मस्त एक फैशन कर रही है, खाना खा रहे हैं, और मेरी हालत देखो यहाँ, मेरे को यहाँ बर्तन धुलाने में लगा रखे हैं। और एक बहू आ रखी है, ये भी मस्त करके ब्लॉग बना रही है। अत्याचार हो रहा है आजकल बहुत यहाँ। तो ये छोटे से बात में नाराज हो गई और अभी आंख से आंसू निकाल रही है, अभी रो रही है और इधर देख भी नहीं रही। क्या हुआ, ओए क्या हुआ, ले ले यार, ले फोन पकड़, फोन नहीं दे रही करके रो रही है। यहाँ पे क्या बोल रखा है, भूत रखी है। तुम्हारे गढ़ वाले भाषा में क्या बोलते, जैसे हमारे कुमाऊनी बोलते है ना, यहाँ एम मूल बुहेरी चेत बुहेरी, तुम्हारे वहाँ पतबुए। अच्छा ऐसा बोलते हैं, गोभी। अच्छा और ये गोभी कैसे और क्या, अच्छा तो यहाँ पर गाय ने खा रखे हैं। उजाड़, हमारे यहाँ पे उजाड़ बोलते, तुम्हारे वहाँ पे उजाड़, थोड़े थोड़े लैंग्वेज सेम है ना, थोड़ा जोर से बोलो। और यहाँ पर क्या बोल रखा है, पयंगू। अच्छा और हमारे कुमाऊनी में बोलते हैं यहाँ एमिल पालिंग बुरी पालिंग। तो अभी दुकान का सामान आ रखा है और ये देखो भाई साहब खाने लग गए, स्टार्ट हो गया है। कितना वेस्ट ले जा रही है, कहाँ ले जाएगी खाने। अरे वाह देखो यार, इतना सारा अभी तक तो दुकान के अंदर गया नहीं है सामान, ये देखो इसको खाने की हो रही है। कहाँ पर दर्द हो रहा, क्या हो रहा है, अच्छा कब खाए मैंने दिमाग। शाम का समय हो गया है तब जाके अभी रैगी यहाँ पर आ रहा है, सुबह से ही गायब था ये। ले मत डराओ उसको, ये देखो तो डॉगी को डरा रही है। आन आन क्यों फुटबुगा लान, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, ये पान कोर को तेल था ले, उसको हमने बचपन से पाला है यहाँ पर, मिला पाले तो ये बचपन बड़ी, तो उसको देखो तो मत करो ना, पता हो अब उसको 1 साल होने वाला है हमारे घर में। केक इसका 22 तारीख को काटेंगे, 22 तारीख को लेके आए थे इसको हम दबी, तुमसे पहले आया हो यहाँ। रैगी भी आ गया है, अभी जाके आ रहा है रात को, और मैं और मीना यहाँ पर हैं, यहीं पर बैठे हुए हैं। पूरी दादी माँ आई थी यहाँ पर और पी रही है चाय। तो दोस्तों अब आपको मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए नेक्स्ट पहाड़ी लाइफ स्टाइल ब्लॉग में, ठीक। तब के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कार्यों में हमेशा व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय देवी उत्तराखंड।